भाजपा को सत्ता से बाहर करने एवं फिर से महागठबंधन की सरकार गठन का मार्ग प्रशस्त होने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भागलपुर के कचहरी चौक के समीप लोगों के बीच मिठाइयां बांटकर एवं एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर जश्न मनाया। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अजीत शर्मा जिंदाबाद, महागठबंधन की सरकार जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी बिहार में साजिश रचकर छोटे मोटे पार्टियों को खत्म करना चाहती थी, लेकिन यह साजिश बेनकाब हो गई और हम लोगों की जीत हो गई। खुशी का इजहार करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब वह दिन दूर नहीं जब बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई इस राज्य से दूर होगी। अब लोग सुकून से बिहार में जिएंगे। बिहार में भाजपा को हटाने का बीज बो दिया गया है। जल्द केंद्र में भी भाजपा की सरकार नतमस्तक होगी। यह गठबंधन की जो सरकार बनी है यह पूरे बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि अभी तक जो सरकार में भागीदारी पार्टी थी वह यह चाहती थी कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे उसके साथ भी जो खड़ी पार्टी है, उसको समाप्त कर दिया जाए और देश में तानाशाही को ला दिया जाए। और अपनी इस इच्छा का इजहार जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने पिछले दिनों पटना में अपने पार्टी की जो कार्यकर्ताओं की सभा है उसमें यह खुले तौर पर कहा था कि 2024 के बाद इस देश में सिर्फ भाजपा पार्टी रहेगी और दूसरी कोई पार्टी नहीं रहेगी। उनके इस बयान से इस साजिश की बुआती थी कि वह तमाम पार्टियों को समाप्त कर देश में तानाशाही स्थापित करना चाहेगा। मुहर्रम की 9वीं तारीख पर सरायकिला घाट इमामबाड़ा में फातिहा कराने के लिए विभिन्न मोहल्ले से दर्जनों अखाड़ा जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर ताजिया, निशान, सीपर और थर्मोकोल की बनी कई तरह की झांकियों का प्रदर्शन किया गया। वहीं युवा ढोल, ताशे, बाजे एवं मुहर्रमी धुन पर पारंपरिक हथियार के साथ करतब दिखाते नजर आए। चौक चौराहों पर अखाड़ा देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान सेंट्रल मुहर्रम कमेटी और शांति समिति के सदस्य प्रशासन का सहयोग करते दिखे। साथ ही अखाड़ा जुलूस में शामिल लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। सुबह 10 बजे से ही शहर के तमाम अखाड़ा जुलूस फातिहा खाने के लिए शहर के विभिन्न मार्गों से होकर सराय किलाघाट स्थित इमामबाड़ा पहुंचते रहे, जबकि अखाड़ा जुलूस में शामिल युवाओं की टोली पारंपरिक हथियारों से लैस होकर तलवारबाजी, लाठी, फरसा और सिपल से करतब दिखा रहे थे। वहीं जुलूस में लहराया जा रहा राष्ट्रीय ध्वज देश प्रेम को दर्शा रहा था। मुहर्रम को देखते हुए प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए थे। सिटी एसपी का कहना है कहीं से भी कोई गड़बड़ी ना हो इसको लेकर हर एक चौक चौराहे पर पुलिस की तैनाती की गई है। बिहार राज्य सीनियर वर्ग जूडो प्रतियोगिता 2022-23 में भागलपुर जिला एवं द इंस्टीट्यूट ऑफ स्नेक फिस्ट मार्शल आर्ट के 4 खिलाड़ियों ने पदक पर अपना कब्जा जमाया, जिसमें 1 स्वर्ण, 1 रजत एवं 2 कांस्य हासिल किए हैं। बालिका वर्ग में 48 किलो भार में ऋचा सिंह, कांस्य 52 किलो भार में अनुराज, कांस्य और 78 किलो भार में नजराना नाज ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं बालक वर्ग में 90 किलो भार में अमित शाह ने रजत पदक हासिल कर भागलपुर का नाम रोशन किया है। स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा जमाने वाली भागलपुर की खिलाड़ी नजराना नाज का चयन सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता के लिए किया गया। ये खिलाड़ी 16 से 20 अगस्त को लखनऊ में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शिरकत करेंगी। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में सावन के अंतिम सोमवारी को लेकर जाह्नवी गंगा महासभा द्वारा अजगैबीनाथ गंगा घाट एवं नमामि गंगे घाट पर स्थानीय पंडितों द्वारा बनारस के तर्ज पर गंगा महाआरती का आयोजन किया। इस दौरान जाह्नवी गंगा महासभा के अध्यक्ष संजीव झा ने बताया कि गंगा महाआरती का शुभारंभ नेपाल के कांवरिया एवं नगर परिषद के बड़ा बाबू राजीव रंजन सिन्हा एवं क्रांति कुमारी के द्वारा किया गया। गंगा महाआरती में ग्रामीण क्षेत्र सहित शहर के हजारों शिव भक्तों ने बाबा भोलेनाथ एवं माँ गंगे के जयकारे लगाए। इस दौरान तमाम शिव भक्त एवं कांवरिया मौजूद थे। सुल्तानगंज प्रखंड के कमरगंज गांव में गंगा में डूबने से एक महिला की मौत हो गई। मुखिया भरत यादव ने बताया कि कमरगंज गांव की रहने वाली 32 वर्षीय सोनी देवी पति मुकेश शाह अपने 4 बच्चे के साथ गंगा में स्नान कर रही थी। तभी गंगा में डूबने पर गंगा स्नान कर रहे कांवरियों ने बच्चों को तो बचा लिया, लेकिन बच्चों की मां सोनी देवी को नहीं बचा सके। घटनास्थल पर एसडीआरएफ की टीम महिला के शव की खोजबीन में लगी है। पहले 4 गो बच्चा था, ठीक है ना? हाँ। उसका दादी भी था, उसका मम्मी भी था, सब गंगा स्नान कर रहे थे, सब नहा रहे थे। पहले बच्चा डूब रहा था। बच्चा डूबने के बाद जो है जो बम कूद गया, ठीक है ना? बच्चा जब बच्चा को बचा लिया तो बता मेरा मम्मी डूब गया यार, तो मम्मी डूबा तो उसका पता नहीं चला।